हेलो एवरीवन, सो गाइस गुड इवनिंग एवरीवन। और गाइस कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। हैप्पी लोहड़ी टू यू ऑल। लोहड़ी की आपको एवं आपके समस्त परिवारजनों को सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस आज है लोहड़ी का डे। लोहड़ी नहीं, लोहड़ी तो कल थी, आज नेक्स्ट डे है। और आज हम लोग जा रहे हैं ज़रा एक बहुत तगड़ी सी जगह पर। आप लोग समझे या नहीं समझे ये हमको पता नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों को अभी शंकरात की भी अपनी शॉपिंग करनी है। और हैप्पी शंकरात टू यू ऑल अगेन, भूल गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आज हमारे संग में मैं हूँ, अभी जो शेर आ रहा है बेचारा, जी आ गया शेरू। जे देखो, जे गाड़ी चलाना सीखेंगे, लाइट जलाना नहीं जानते अंधेरे में, जे गाड़ी चलाना नहीं सीखे। और हमारे संग जा रहे श्री भैया, और हमारे संग जा रहे हैं, अरे मोदी जी एक बात कहूँ, हाँ बोलो ना रोनाल्डो भाई, बोलो चकली चकली रोनाल्डो भाभी टकली। गाइस जस्ट किडिंग, ये बस एक मजाक था। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, चल भाई बैठ जल्दी, चलो भाई चलो जीजा। हम लोग बैठ गए फटाक से गाड़ी के अंदर, और श्री भैया भी हमारे संग जा रहे हैं। चलो अब हम लोग निकलते हैं फटाक से। तो है। हम लोग पहुंच गए हैं अपने मार्केट में एज यूजुअल। इस बार हम लोग लेट नहीं कहेंगे अपने आप को, क्योंकि हम हमेशा लेट नहीं होते, ये मेरी खूबी है। मैं समटाइम्स ही ऐसा टैलेंट दिखाता हूँ अपना जिसमें मैं लेट होता हूँ। हम लोग आए हैं अभी इस शॉप पर, दिखाऊं शॉप, दिखाऊं, एक्साइटेड दिखाऊं, चलो दिखा देता हूं। फ्रेग्रेंस अरे इधर हम लोग आए हैं कुछ सामान लेने, वो सामान आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अंदर जा करके। ओके गाइस, हम लोग एक परफ्यूम शॉप में, जिसमें आप लोगों ने अगर आगरा में रील वगैरह देखी हो यहाँ पर आपको पता हो, यहाँ पर हम लोग किसी भी टाइप के किसी भी जैसी भी हमको स्मेल पसंद आए। मैंने एक परफ्यूम पसंद किया, आप लोगों को मैं सुंघा सकता था लेकिन आप लोग उसको नहीं स्मेल कर सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों को अभी ट्राई कराऊंगा। ये देखो यहाँ पे आपको सारे परफ्यूम्स की वो वैराइटीज़ मिल जाएगी। ये आप लोगों को पैकिंग मिलती है, जैसे भी आप चाहो वैसी पैकिंग ले सकते हो, ठीक है। ये देखो हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, और सीरिया ने भी अपना सामान डिसाइड कर लिया, मतलब उन्हें क्या हुक्का वगैरह भी मिल जाएंगे। जो लोग, मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगा कि आप ये सब चीज़ें यूज़ करो। You know guys, I am very health conscious. My audience is also very health conscious. So that's why I'm not promoting all these kinds of thing. तो अभी हम लोगों ने कौन सा पसंद किया है दिखाना, जरा वो स्टिक दिखाना, वो ये इसी पे दिखा दो। देखो इस पे हमारा परफ्यूम लगा हुआ है, आप लोगों को स्मेल आएगी नहीं, फिर भी आप लोग एक बार इमेजिन कर लो। आई नो आप लोगों को महका महका फील हो रहा होगा। अभी हम लोग पहले यहाँ से पैकिंग कराते हैं अपने परफ्यूम की, और व्यू यहाँ का समझ रहे हो, एकदम वाइब तो आएगी आप लोगों को जब भी आप यहाँ पे एंटर करोगे। अभी फटाक से पहले यहाँ से अपनी पैकिंग कराता हूँ सामान की। गाइस हम लोगों ने कर लिया अपनी शॉपिंग डन, और हम लोगों ने लिया है ये सामान अपना, ये बार इसमें दो धूप स्टिक्स हैं, ये गाड़ी का है, ये वाला बॉटल में बड़ी वाली में, ये भी गाड़ी का है, ये घर का है, ये भी घर का है, समझ रहे हो। लिटिल सी शॉपिंग ओनली 4060 केवल, ठीक है। कितने की हुई है शॉपिंग? इतने इतने से इतने हमारे भाई में तो टूट गया। सो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग अभी जैसे डन हुई, और ये भैया आप भी यहाँ पर आओगे शॉप पर। भैया कहाँ पे आना पड़ेगा शॉप? सर मैं यहाँ पे समायरा फ्रेग्रेंसेस हमारा नेहरू नगर में है, ये अंजना डॉगीज के पीछे नेहरू नगर मार्केट में, शॉप नंबर 10 और भगत हलवाई के जस्ट बराबर से। ओके भैया, ओके थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। ये था कुछ यहाँ पर, और हम लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से हम लोगों ने शॉपिंग डन कर ली है। हम लोग अब जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे ना अपने स्टॉक, जल्दी जल्दी मैं खर्च कर दूंगा अभी जाते के हम सारे, और फिर हम दोबारा जैसे ही आएंगे तो फिर आप लोगों को तो बता दिया हम लोगों को कहाँ पर शॉप का एंट्रेंस, यहाँ से आप अंदर आके आप लोग खरीदेंगे अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे प्यारी प्यारी महकते हुए परफ्यूम्स, जिससे आप भी महकेंगे और अपने आस पड़ोसियों को भी महकाते रहेंगे, जैसे कि अपना जो काम है महकते रहो महकाते रहो। तो बहुत अच्छा यहाँ पर लगा हम लोगों को भैया से मिलके, भैया ने अच्छे से हमारे शॉपिंग कराने में हेल्प भी करी। आप लोग कोई भी हो आएंगे फुल कोऑपरेट मिलेगा आप लोगों को शॉपिंग कराने में, फुल बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे कि ये ले लो वो ले लो, हर तरीके के अच्छा सा डिस्काउंट भी मिला हम लोगों को, उसके लिए थैंक यू सो मच, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से। और अभी हम लोगों ने शॉपिंग करके अब जरा अपना स्टिक्स जो हम लोगों ने इतने सारे ट्राई करे थे भी नहीं आए, इसलिए क्योंकि छोड़ते तो हम कुछ भी आई भी है ही नहीं है, इसी बारे हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से अब शॉपिंग करके अब निकल दिए, अब देखते हैं हम फिलहाल हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें कल के लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। सो लेट्स गो गाइस, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा, कहाँ हूँ मैं, चलो दिख रहा हूँ। ओके
गाइज हम लोग वहाँ से भक्के आ गए थे जल्दी से, क्योंकि हम लोग हो रहे थे रात में लेट। अभी थोड़ी सी ठंडक बढ़ चुकी है अपने शहर में, लेकिन मेरे को नहीं लगेगी, एज यू नो आई एम लेस इंसान, ठंड प्रूफ हूँ मैं, सॉरी। तो हम लोगों ने लिए पतंग, मंजे और चचे हमारे थे, मंजे वगैरह ले लिए, पतंग ले लिए अपनी, क्योंकि कल है मकर संक्रांति, जिस दिन हम लोग उड़ाएंगे काटी पेच करेंगे एकदम, काय पोचे होएगा। चलो ठीक है, तो हम लोगों को कल उड़ानी है पतंग वगैरह, तो इसलिए अभी हम लोगों ने सामान ले लिया, थोड़ा सा सामान हम सुबह लेंगे, लेकिन अभी मैंने इतना सामान ले लिया, अभी मैं जा रहा हूँ घर और फिर मैं सुबह मिलता हूँ आप लोगों को रेडी होकर। तो गाइस गुड आफ्टरनून, हम लोग दोपहर में अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, हम लोग सुबह हो चुकी है, अगले दिन की दोपहर चल रही है पतंग वगैरह देखते ये रही, और हमारे घर के पीछे की तरफ भी उड़ रही हैं, और शेरा भी उड़ा रहा है। मैं अभी हम लोग कन्ने बांध रहे हैं, मैं कन्ने कैसे बांधते हैं, भैया भी आ गए गाइस हमारे संग में पतंग, कोई नहीं पर इनको मैं सिखा दूंगा, सीख रहा हूं, कली से मंजा लेके आया हूं मैं। लेंथ पे एक ऐसे सद्दा लेंगे इतना, ठीक है, उसको कर लेंगे हम डबल। आगे चढ़ गए, पेच चढ़ गए, पेच चढ़ गए गाइस, गाइस गाइस काटे गाइस। देखो अभी हम लोगों ने बांध दिए आगे आगे दो गांठ, पीछे पीछे, अब इसको ऐसे दोनों को ऐसे मिला के पहले पीछे फिर आगे की तरफ टिल्ट करेंगे, थोड़ा सा 90 डिग्री का सा एंगल बना देंगे, ठीक है, एकदम राइट ट्रायंगल सा, बीच में से जोड़ देंगे उसको। अब इसको ऐसे करके इधर से गांठ बांध देंगे और फिर इसमें पतंग बांध के उड़ाएंगे। आप लोग हाल इजीली सीख जाओगे पतंग उड़ाना कितना ईजी है, समझ लो गाइज, मेरे कन्ने बांधे थे और पतंग देखो हमारी, देखो मेरी पतंग दिखा जा, वो तो बेटा मेरी दुआ से है, वो मैंने ही उड़ा के दी थी, ठीक है, बेटे सुभाष किन्ने उड़ाई थी पतंग, मैंने ही तो उड़ाई थी, शेरा पे नहीं आती ना उड़ाना, वही तो उड़ाना तो मैंने दी थी ना उड़ा के, देखो रास लग गई कांटे।